पति और पत्नी के बीच में चल रहा था विवाद और इस विवाद के बीच दोनों ने पिटीशन जो आपसी सहमति तलाक है वो कोर्ट में प्रस्तुत की फैमिली कोर्ट में फाइल की फ़ाइल करने के दौरान ही क्या हुआ कि पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और कोर्ट से डाइवोर्स मिला नहीं अब इस कंडीशन में क्या होगा जी हाँ नमस्कार आप सभी ने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइज में जहाँ हम कानून के विशेष मुद्दों को बात करते हैं विशेष मुद्दों पर बात करते हैं इस वजह से जो जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचती है सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने से जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे आप तक पहुँचते रहेंगे चलिए बात करते हैं और इस विशेष मुद्दे को डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोर्ट में आपका तलाक का जो मामला है वो पेंडिंग है और उस बीच किसी एक ने पति या पत्नी ने अगर दूसरी शादी कर ली तो क्या होगा जैसा इस मामले में इस मामले में पत्नी दूसरी शादी कर लेती है जबकि उनके बीच का जो विवाद है वो अभी भी कोर्ट के द्वारा सुलझा नहीं था अब क्या होगा तो इस कंडीशन में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो सेक्शन फाइव हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ध्यान रखना पड़ेगा जहां पर यह कंसीडर किया गया कि जब तक आपका डायवॉर्स नहीं हो जाता आप दूसरी शादी नहीं कर सकते अब इन्होंने दूसरी शादी कर ली तो इस कंडीशन पर यह वायलेटिव हो गया अंडर द प्रोविजन ऑफ फाइव वन एच एम ए हिंदू मैरिज एक्ट तो यहां पर जो सेक्शन इलेवन है इलेवन अट्रैक्ट करेगा और जो मैरिज है जो दूसरी मैरिज पत्नी ने या पति ने कर ली वो वॉइड मैरिज हो जाती है वो शून्य मैरिज हो जाती है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहती है अब इसके साथ ही आपको एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए खासकर पत्नियों के मामले में लड़कियों औरतों के मामले में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो भरण पोषण का जो लीगल राइट होता है अंडर सेक्शन 125 जो आप चैलेंज करते हो या हिंदू मैरिज एक्ट में चैलेंज करते हो या अन्य किसी प्रावधान में चैलेंज करते हो वो आपको नहीं मिलेगा तो इस वजह से आप दूसरी शादी ना करें तब तक ना करें जब तक आपका जो मामला है वो कोर्ट के द्वारा निर्णित नहीं कर दिया जाता निर्धारित नहीं कर दिया जाता है अदरवाइज़ आपको वन ट्वेंटी में काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है कि भरण पोषण की जो राशि है वो नहीं मिलेगी और ऐसा ही निर्धारित किया गया था अमीनी वर्सेज राजवन के केस में 1988 एटी एट वॉल्यूम टू केरला पेज नंबर 569 ये यह काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है जो आपको ध्यान रखना अमीनी वर्सेस राजवन का जजमेंट जहां पर पत्नी दूसरी शादी कर लेती है और इस वजह से जब उसका जो मामला है वो अभी भी फैमिली कोर्ट में निर्णय नहीं हुआ था डिसाइड नहीं हुआ था इन द मीन वो दूसरी शादी करती है फिर क्योंकि दोनों के बीच में अनबन हो जाती है म्यूचुअल डायवोर्स हो नहीं पाता है वो वन का जो भरण पोषण का पति के खिलाफ में करती है लेकिन मेंटेनेंस उसे नहीं मिलता अमीनी वर्सेज राजवन आप बहुत विशेष मुद्दा जो आपको ध्यान रखने वाली बात है तो इस वजह से जब तक आपको यही सुझाव रहेगा कि जब तक आपका कोर्ट के द्वारा निर्णय नहीं हो जाता मामला डिसाइड नहीं हो जाता मामला तब तक आप दूसरी शादी ना करें यह बेहतर रहेगा आपकी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा इसके साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है लिंक है जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके आपकी और मेरी हो जाएगी बात अगर इस चैनल के माध्यम से पहुंचाई गई जानकारी आपको पसंद आती है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहें इसी कामना के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद